गुड मॉर्निंग एवरीवन, एज प्रॉमिस वी आर बैक विथ हीट न्यूमेरिकल्स। हमने हीट चैप्टर पूरा कवर अप कर लिया था, सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रॉमिस किया था। तो आज हम हीट के न्यूमेरिकल्स सारे सॉल्व करेंगे। तो हीट के न्यूमेरिकल्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, उतना बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक्स है और बहुत इजी है। तो आप जरा ध्यान से देखिए और एक एक चीज को नोट कीजिए जरूरत पड़े तो। फर्स्ट हमने देखा था स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट का सिंबल क्या है, सी। एंड हमें जो स्पेसिफिक हीट दिया हुआ होता है वो किलो कैलोरीज में होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को अपॉन फॉर्म में, जो कि वो अपॉन फॉर्म में ही है, बट उसको अगर अपॉन फॉर्म में लिख के देखे तो के और के किलो जो है वो क्या हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर कैलरी एंड नीचे ग्राम। तो हम हर बार क्या कर सकते हैं, हमें अगर कोई भी वैल्यू किलो कैलरी में दिया हुआ होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया है कि ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस देन द फॉर्मूला टू बी यूज, तब जो फॉर्मूला आपको यूज करना है वो है क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, जिसमें Q डिनोट करता है उस ऑब्जेक्ट का हीट, M डिनोट करता है मास, C डिनोट करता है स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T डिनोट करता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में चेंजेस आया है, कितना चेंजेस आया है वो डिनोट करता है डेल्टा T। इसी तरह थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये समझ के रखना है कि अगर उस ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर की चेंजेस नहीं हो रही है तब आपको यह फॉर्मूला यूज करना है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस देन द फॉर्मूला टू बी यूज इज क्यू इज इक्वल्स टू एम एल, जहां पर फिर से क्यू जो है वो डिनोट करेगा ऑब्जेक्ट के हीट को, एम डिनोट करेगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एल डिनोट करेगा लेटेंट हीट। फोर्थ पॉइंट, सपोज आपके क्वेश्चन में जो सम दिया हुआ है उसमें वेपर स्टीम या आइस से रिलेटेड कुछ है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में चेंजेस होगा। तो टेम्परेचर में अगर चेंजेस होगा तो कुछ इस तरीके से उसको करना है, जैसे अगर स्टीम दिया है, अगर वेपर दिया है तो वेपर से अगर आइस में कन्वर्ट करना है तो पहले जो स्टीम होगा, वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है एंड उसी 100 डिग्री पे वाटर बॉयल भी होता है एंड उसी पॉइंट पे वो वेपर भी बनना चालू होता है। तो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो 100 होता है। नाउ स्टीम से अगर हमें वाटर बनाना है तो पहले स्टीम को क्या करना होगा, 100 डिग्री तक लाना होगा। तो स्टीम 100 डिग्री में होता है, उसको अगर वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 डिग्री तक क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, यहां पर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुआ है। तो टेम्परेचर में अगर चेंजेस नहीं हुआ है तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला या ये वाला, दिस वन, थर्ड वन, ठीक है ना। तो थर्ड वन हम यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे तो एम एल और यहां पर नो चेंजेस। वॉटर से हमको आइस, एक्चुअली स्टीम को हम आइस तक लेके जा रहे हैं, तो स्टीम से पहले वॉटर कन्वर्ट हुआ। नाउ वॉटर को अगर आइस तक लेके जाना है तो वॉटर को हमें 100 डिग्री से 0 डिग्री तक पहले लेके जाना होगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वहां पर 0 डिग्री पर वॉटर और आइस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही 0 से 1 डिग्री और नीचे जाएगा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वाटर को पहले 100 डिग्री से 0 डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा।
तो अगर 100 डिग्री से 0 डिग्री तक जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। तो टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहां आएगा एम सी डेल्टा टी एंड यहां पर चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नाउ वॉटर को अगर आइस में कन्वर्ट होना है तो 0 डिग्री पे ही वो कन्वर्ट होना चालू होता है, बिकॉज 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम एल, नो चेंजेस। ओके, अब इसी का अगर उल्टा सम दिया हुआ होगा कि आइस से हमें स्टीम तलक जाना है, तो आइस 0 डिग्री पे था, 0 से पहले उसको वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर में जब कन्वर्ट कर रहे तो क्या हो रहा है, नो चेंजेस। तो नो चेंजेस में कौन सा, एम एल। ओके, नाउ 0 से वाटर में कन्वर्ट कर रहे, तो 0 से अगर वो 100 डिग्री तक जा रहा है तो यहां पर चेंजेस हो रहा है, तो चेंजेस में एम सी डेल्टा टी एंड चेंजेस, एंड लास्ट वाटर से अगर स्टीम में कन्वर्ट होना है तो 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री पे ही स्टीम बनना चालू होता है, तो यहां पर भी नो चेंजेस, एम एल एंड नो चेंजेस। नाउ फोर्थ पॉइंट पे जब स्टीम से आइस में कन्वर्ट हुआ था तो यहां पर एनर्जी का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ था, 100 डिग्री से वो 0 डिग्री तक चेंज हुआ था, मींस यहां पर एनर्जी लॉस हुआ है। तो एनर्जी अगर लॉस हुआ है तो हमने उनके फॉर्मूलेज भी लिख दिए बीच में क्या क्या आने वाला है। तो हीट अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इन सबको सिर्फ यहां पर प्लस करना है, मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल, ठीक है। उसी का उल्टा नीचे क्या हो रहा है, 0 डिग्री से अगर वो 100 डिग्री तक चेंज हुआ है मीन्स एनर्जी गेन हुआ है, एनर्जी आया है। तो क्यू इज इक्वल्स टू एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल। फॉर्मूला दोनों ही सेम है, हमने ये भी पढ़ा था। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि मास नेवर चेंजेस, मास जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी जो है वो मास है, उसको आप अर्थ पे रखो, मार्स पे रखो, मून पे रखो, आपका बॉडी में जितना भी मास है वो चेंज नहीं होता है ना। आपकी पूरी बॉडी मार्स तक जाएगी, मून तक जाएगी, वापस अर्थ में आएगी, ठीक है। तो मास नेवर चेंजेस, ऑब्जेक्ट का जितना भी मास होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। ओके, लेटेंट हीट चेंज होगा, लेटेंट हीट चेंजेस। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो दो आपको याद रखनी है वो कौन सी है, एक है वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 माना जाता है, वो 1 ही रहेगा हमेशा, वो क्वेश्चन में दिया भी होगा तो 1 ही होगा और नहीं भी दिया होगा तो आपको 1 मानना है। एंड आइस का जो लेटेंट हीट होता है वो भी बाय डिफॉल्ट कितना माना जाता है, 80। आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो भी वो 80 होगा, नहीं दिया होगा तो आपको 80 ही मानना है। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। चलिए फर्स्ट सम देख लेते हैं। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। इसका मतलब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेम है, 1 ग्राम रेस्पेक्टिवली ईच, एंड दोनों का जो हीट है वो भी इक्वल है। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री एंड बी बाय 5 डिग्री। तो यहां पर क्या हुआ है, टेम्परेचर में चेंजेस आया है, चेंज हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने जो इंपॉर्टेंट नोट्स में जो हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है कोई भी क्वेश्चन में तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, ए और बी में से किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है एंड बाय व्हाट फैक्टर। एंड बाय व्हाट फैक्टर का मतलब है कि अगर ए ज्यादा है तो वो बी से कितना ज्यादा है, एंड अगर बी ज्यादा है तो बी ए से कितना ज्यादा है, हमें वो बताना है। तो आप जब एग्जाम में इसको लिखेंगे तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे।
मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, एम डिनोट करता है मास, तो आपको उसके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ छोटा सा ए लिखना है ताकि मालूम पड़े कि वो मास ऑब्जेक्ट ए के लिए हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 1 ग्राम, सिमिलरली मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ऑल्सो 1 ग्राम। एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यहां पर चेंज हुआ है ना, टेम्परेचर ऑफ ए का इंक्रीज किया गया है, तो इंक्रीज मतलब चेंज हुआ है, तो कितना डिग्री चेंज हुआ है, 3 डिग्री। एंड यहां पर डेल्टा टी ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना हुआ है, 5 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, अमोंग ऑब्जेक्ट ए एंड बी दोनों ऑब्जेक्ट में से विच वन हैज मोर स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर सी जो है वो सिंबल है स्पेसिफिक हीट का, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ बी। सॉल्यूशन चालू करते हैं फिर इसका। क्यू, क्यू क्या है, क्यू डिनोट करता है हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल्स टू हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में अगेन दिया हुआ है कि हीट जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट का क्या है, इक्वल है, तो हमने इक्वल दिखा दिया। नाउ इसके नीचे अब यहां पर हम देखेंगे कि टेम्परेचर में क्या हुआ है, चेंजेस आया है ना, तो चेंजेस अगर आया है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे एम सी डेल्टा टी। सिमिलरली बी के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एम सी डेल्टा टी। एंड अगर ये ऑब्जेक्ट ए का है तो ए आपको तीनों में लगाना है, ये बी का है तो यहां पर बी लगा देना है। यहां तक खत्म हो गया। नाउ इसके वैल्यू पुट अप करेंगे, मास ऑब्जेक्ट ए का कितना है 1 ग्राम, ऑब्जेक्ट बी का कितना है 1 ग्राम, दोनों का सेम है, तो मास हो जाएगा यहां पर 1 into स्पेसिफिक हीट, तो हम फाइंड कर रहे हैं तो वो जैसा है एज इट इज वैसे ही रहेगा, into डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है ए का, चेंजेस इन टेम्परेचर कितना है 3 डिग्री, तो यहां पर लिखेंगे 3। सिमिलरली बी का भी 1 है मास into स्पेसिफिक हीट, तो हम फाइंड कर रहे हैं into डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5। Now, into 1 है तो 1 कोई मायने रखता नहीं है यहां पर, हम सिर्फ देखेंगे सी ए मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए into 3 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ बी into 5, जहां पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट जो मतलब अल्फाबेट्स में है उसको हम एक तरफ कर देंगे इक्वल टू के, एंड नंबर्स को दूसरे तरफ रख लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पोजिशन पे कौन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो हम यहां से स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां से अगर यहां ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवीजन, तो वो अपॉन में आ जाएगा। एंड यहां पर पहले से ही कौन मौजूद है, 5 मौजूद है, 3 यहां से जो नंबर है वो नंबर के साथ आ जाएगा, अगेन यहां पर 3 मल्टीप्लीकेशन में, यहां आएगा तो डिविजन में। नाउ हमें वैल्यू मिल चुका है, ऑब्जेक्ट ए का स्पेसिफिक हीट कितना है 5 एंड बी का कितना है 3, तो बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा हुआ, तो हमको पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, तो यहां पर लिखना है देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एंड बाय व्हाट फैक्टर, मैंने बताया था अगर ये बड़ा है तो ये इससे कितना बड़ा है हमें वो बताना है, तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए अगर बड़ा है तो हम बी को, ऑब्जेक्ट बी को यहां से इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे अगेन, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सी ए स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/3 स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। नाउ ये क्या होता है बताता हूं मैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट बी से 5/3 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 5/3 टाइम्स ज्यादा है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बी बाय
फाइ अपॉन थ्री टाइम्स। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। फर्स्ट सम हमारा यहां पर खत्म हो गया। सेकेंड सम देख लेते हैं। सेकेंड सम में दिया है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वॉटर। तो वॉटर से आइस बनाने के लिए अमोनिया यूज किया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये अमोनिया आइस है, मीन्स अमोनिया यूज करके ये आइस को बनाया गया है। आगे देखते हैं कि एक फैक्ट्री है जहां पर लिक्विड अमोनिया से, आप अमोनिया का भी इमेज देख लीजिए, ये अमोनिया का इमेज है, अमोनिया जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये जो अमोनिया लिक्विड है इसको यूज करके आइस बनाया जाता है। तो फैक्ट्री में ये अमोनिया यूज हो रहा है। नाउ इफ वॉटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज टू बी कन्वर्टेड इंटू 2 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री पे जो वॉटर है उसको 0 डिग्री में कन्वर्ट करना है फर्स्ट थिंग, एंड 0 डिग्री में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा वो 2 केजी का आइस बन जाएगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी इवेपोरेटेड, तो इस पूरे प्रोसेस में हमको कितना सारा अमोनिया जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा हमें वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि अमोनिया को यूज करके आइस बनाया जाता है। तो अमोनिया को जैसे ही यूज करते हैं अमोनिया क्या करता है, वॉटर में प्रेजेंट जितना भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है वो वेपर बन के क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब अगर सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है अमोनिया तो जो वॉटर है वो तो कूल हो जाएगा ना, और कूल हो जाएगा मींस वो फ्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो आइस कन्वर्ट होता है। नाउ इस प्रोसेस में कितना अमोनिया वेपर बन के निकल जाएगा हमें वो फाइंड करना है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। गिवन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन के साथ जो गिवन है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 341 कैलोरी पर ग्राम। तो यहां पर जो लेटेंट हीट है, जब अमोनिया वेपराइज होगा तब जो उसका लेटेंट हीट होगा, ठीक है, लेटेंट हीट हमने पढ़ा है, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है। तो अमोनिया का लेटेंट हीट पहले से हमें दे दिया है 341, जो हमें फर्दर जब हम सम करेंगे उसमें यूज करना है। तो चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है, मैंने आपको अगेन इंपॉर्टेंट नोट्स जब मैंने बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर चेंजेस इन टेम्परेचर आ रहा है एंड अगर स्टीम वेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है। तो यहां पर जो वॉटर है वो लिक्विड में है वो आइस में कन्वर्ट होगा, मींस यहां पर लिक्विड टू आइस में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। नाउ इसको पहले लिख लेंगे, वॉटर से अगर आइस में चेंज करना है तो वॉटर पहले कितने डिग्री पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है। नाउ इसी वॉटर का जो ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि आइस में कन्वर्ट होने के लिए इसको 0 डिग्री में लेके जाना जरूरी है। तो हम इस वॉटर को क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो कूल करेंगे तो ये वॉटर पहले तो आएगा 20 से 0 डिग्री पे, फिर ये वॉटर जब 0 डिग्री पे आ जाएगा, 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर, ठीक है ना। तो यहां से वो जैसे ही 0 डिग्री पे आएगा वो आइस में कन्वर्ट होना चालू होगा, एंड आइस 0 डिग्री पे कन्वर्ट होना चालू होता है। तो यहां पर अब क्या देखेंगे कि 20 से 0 चेंजेस हुआ है ना टेम्परेचर में, तो चेंजेस अगर हुआ है तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा आएगा, एम सी डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, चेंजेस। एंड यहां पर चेंजेस नहीं हुआ है तो यहां पर फॉर्मूला आएगा एम एल, याद है ना मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स में, नो चेंजेस। तो ये हमने देख लिया। नाउ अब इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या है कि जो हीट है वो एम सी डेल्टा टी प्लस एम एल,
वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ है, चेंज हो रहा है 20 से 0 डिग्री। कब चेंज हो रहा है, जब उसमें अमोनिया मिलाया गया। तो अमोनिया जब मिलाया गया तो ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और वो चेंज कैसा हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहां पर हीट एनर्जी लॉस हो रहा है, 20 से 0 जा रहा है। इसका मतलब जो हीट होगा यहां पर, जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो हीट है इसको Q1 मान लेते हैं, तो हीट यहां पर 20 से 0 हुआ, तो पहले चेंजेस इन टेम्परेचर ये वाला फॉर्मूला, प्लस फिर कोई चेंजेस नहीं हुआ तो ये वाला फॉर्मूला। अब यहां पर किसने हेल्प किया इसके हीट को कम करने में, एब्जॉर्ब करने में, यहां पर अमोनिया ने हेल्प किया था। अमोनिया चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब अमोनिया जैसे ही वाटर में मिक्स किया गया, तो अमोनिया क्या किया, वाटर का सारा हीट एब्जॉर्ब करने लगा, एंड एब्जॉर्ब करने के वजह से वो ज्यादा गर्म हो गया और वो गैस में कन्वर्ट हो गया। मींस वाटर का तो उसने हीट कम कर दिया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब जितना भी एब्जॉर्ब इसका किया था वो सारा आया किसके पास, वो सारा आ गया किसके पास, Q2 अमोनिया के पास आया। तो अमोनिया का क्वेश्चन में कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन एक चीज गिवन दिया है। क्या चीज है, वो है लेटेंट हीट दिया है अमोनिया का। तो अगर लेटेंट हीट दिया है तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अमोनिया का यहां पर सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है ना। देखिए, अमोनिया ने वाटर को हेल्प किया उसका हीट एब्जॉर्ब करने में, तो यहां पर हीट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यहां पर हीट का क्या हुआ है, गेन हुआ है। और हीट का ये प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है ना, यहां पर वाटर का हीट अमोनिया में आ रहा है, तो हीट एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा है कि जितना भी हीट जहां से भी लॉस होता है और जहां पर भी एब्जॉर्ब होता है वो दोनों इक्वल होता है। मींस अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये अगर 100 डिग्री हीट रिलीज करेगा और ये अगर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये 100 डिग्री ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट एक्सचेंज का सेपरेट वीडियो है, अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, ये दोनों में हीट जो है वो एब्जॉर्प्शन और रिलीज दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए, इसको हम पॉइंट नंबर 1 एंड इसको हम पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, MC delta T plus ML इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वल हो जाएंगे मैंने बताया, इज इक्वल्स टू ML बाय कौन सा प्रिंसिपल, बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगेन मैं बता रहा हूं, हीट एक्सचेंज का सेपरेट वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा हीट का एक्सचेंज का क्या फंडा है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमने जब देखा कि यहां पर जो हीट दिया, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो मास है वो वाटर का, आइस का मास कितना दिया था, 2 kg। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स में कि मास चेंज नहीं होता है, तो वो वाटर का हो आइस का हो, वो 2 kg है, हम 2 kg को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में अगेन बताया था कि हम केजी में अगर दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 kg का 2000 ग्राम होता है, ओके, अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, मास के जगह पर 2000 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है, मैंने बताया था आपको कि स्पेसिफिक हीट वाटर का बाय डिफॉल्ट आपको कितना याद रखना था, 1, याद है ना, मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में बार बार बताया है, आपको याद रखना है। तो हम ले लेंगे 1 एंड
डेल्टा टी जो है मींस चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 से जीरो हुआ है, तो 20 से अगर जीरो हुआ है तो कितने डिग्री का कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, 20 टेम्परेचर ही चेंज हुआ है ना। अगर 20 से यहां पर 10 आता तो 10 डिग्री का चेंजेस हुआ होता, अगर 20 से यहां पर 8 आता तो 12 डिग्री का चेंजेस हुआ होता, समझ रहे हैं आप। अगर यहां पर 8 हुआ होता तो 20 में से 8 माइनस करो तो 12 डिग्री का चेंजेस आया है, बट यहां पर तो सीधा 20 से 0 मींस पूरा 20 डिग्री का चेंज आया है, तो 20 प्लस ml, ml यहां पर अगेन मास आएगा, ठीक है। तो मास कितना है 2000 इंटू l कितना है, इंपॉर्टेंट नोट्स में अगेन मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये आइस की तरफ है ना, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस का बाय डिफॉल्ट कितना था 80, ओके, इज इक्वल्स टू, यहां पर जगह नहीं हो रहा है, मैं नीचे अच्छे से एक और बार लिख लेता हूं, आप उसको फॉलो कीजिए। इज इक्वल्स टू ml कितना है, ml मींस यहां पर लेटेंट हीट दिया हुआ है ना, किसका, अमोनिया का लेटेंट हीट दिया हुआ है, कितना है 341, लेकिन अमोनिया का मास नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ले लेंगे 341 एंड m को एज इट इज जैसा है वैसा ही रखेंगे। यहां पर अभी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 2000 इंटू 20 कितना होता है 40,000 प्लस 2000 इंटू 80 160,000 एंड यहां पर 341 इंटू m, अब इसको फिर से प्लस कर लेते तो यहां पर आ जाएगा 200,000 इज इक्वल्स टू 341 m, एंड ये जो 341 जो नंबर है उसको हम इस तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, तो 2 लाख अपॉन 341 इज इक्वल्स टू m, एंड इसका जो फाइनल आंसर आएगा जो कि मास है m, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 586.4 ग्राम ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, आप इसको एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको यही आंसर आएगा, ओके। तो सेकेंड सम भी कंप्लीट हुआ, आपको पूरा समझ में आया।